हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिनको नए A40 अपडेट्स मिले हैं और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट यानी पिछले महीने का सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस के लिए, जिसके अपडेट की फाइल है यहाँ पे 278 MB के आसपास, उसकी लगभग यहाँ पे 278 MB के आसपास की फाइल की अपडेट की फाइल है। तो जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस यूज़ करते हैं फ़ोन अपना अपडेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 1 सितंबर 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल गया है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, तो मतलब गुड न्यूज़ ही बोल सकते हैं। और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी के लिए अगला अपडेट है जो कि 402 MB के आसपास का मिला है सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे हमें लग रहा है काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे J6 इन्फिनिटी को यहाँ पे अपडेट मिला है, जिसके अपडेट की फाइल है यहाँ पे 402 MB के आसपास की। और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला यानी पिछले मंथ का। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे J6 को यहाँ पे अपडेट मिला है। तो जो भी यहाँ पे यूज़र हैं J6 इन्फिनिटी, तो अपना फ़ोन अपडेट कर लें, तो काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है, तो अपडेट कर लेना दोस्तों। ऐसे ही अपडेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने चैनल पर ऐसे ही अपडेट रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।